दोस्तों आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है मंगोलपुरी विधानसभा में और जानेंगे लोगों की राय के क्या है दिल्ली के दिल में। आइए, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी इस बार, भाजपा की, कांग्रेस या फिर आम आदमी? आएगा तो सर अभी आम आदमी का पार्टी सरकार आएगा, क्योंकि थोड़ा वो सब कुछ स्कूल को सब अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी। केजरीवाल आपको लगता है कि ठीक काम कर रहे हैं? हाँ जी, वो ठीक कर रहे हैं अभी। क्या इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का भी कोई खाता खुलेगा? सर अब तो सब वही देखेंगे, हम लोग क्या देख सकते हैं सर, जो करना तो उन्हीं का हाथ में होगा। हम लोग देखो वोट देने वाले इंसान हैं हम लोग। कुछ और लोग भी हैं मौजूद, आइए उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनकी भी राय कि क्या है दिल्ली के दिल में। क्या नाम है बाबा आपका? रामलाल है मेरा नाम। रामलाल जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी, किसका मुख्यमंत्री होगा इस बार? जनता पार्टी का। जनता पार्टी, बीजेपी का कह रहे हैं आप? हाँ। अगर बीजेपी से राजकुमार चौहान आते हैं इस विधानसभा में, उम्मीद है उनकी जीतने की? नहीं, राखी बिरला ही रहेंगी क्या? राखी बिरला नहीं, जनता पार्टी से ही होगा। कुछ और लोग से भी जानेंगे कि क्या है उनकी राय। क्या नाम है मोदी आपका? नाम राजेश है जी। राजेश जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार, भाजपा की, कांग्रेस की या फिर आम आदमी या केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री? ये जी, सरकार तो केजरीवाल जी की बनेगी यहाँ पर। अच्छा, हाँ, केजरीवाल जी ही दोबारा मुख्यमंत्री होंगी आपका ये मानना है? मेरा मानना है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे उनकी भी राय के क्या है क्या नहीं आगामी विधानसभा चुनाव। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको कौन होगा मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली में? मुख्यमंत्री जी इस बार केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल ही होगा, हाँ जी। अगर हम मंगोलपुरी विधानसभा में हैं, अगर राजकुमार चौहान जो कि पहले कांग्रेस में थे बीजेपी में है, अगर उनको बीजेपी टिकट देके यहाँ मैदान में उतार दिए तो कुछ उम्मीद है उनकी? उम्मीद है फिर तो। फिर कुछ राजकुमार चौहान कुछ उम्मीद बन सकती है? हाँ, उम्मीद बन सकती है। कुछ और लोगों से भी जानेंगे क्या है उनकी राय, ये जानते हैं। क्या नाम है भाजी आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में इस बार? केजरीवाल होगा दोबारा से पार्टी का, केजरीवाल ही होगा। अच्छा, केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 100% है। कुछ और लोग भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी इस बार दिल्ली में, किसका पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? केजरीवाल ही हो सकता है। केजरीवाल ही होंगे। आइए कुछ और लोगों से भी बातें करेंगे, कुछ दुकानें भी हैं हमारे बराबर, हम देखेंगे कि कुछ मटके रखे हुए हैं, एक बाबा भी बैठे हुए हैं जो कि उस मटकों पर नक्काशी कर रहे हैं और उनकी कलाकारी शायद अच्छी लग रही है हमें भी देखने में, और बड़े ही धैर्य से वो अपना काम कर रहे हैं। जानेंगे उनसे भी कि क्या है उनके मन में इन विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है बाबा आपका? नानक। क्या बात थी नानक जी, कौन मुख्यमंत्री होगा इस बार, भाजपा का, कांग्रेस का या फिर आम आदमी का? भाई मुझे क्या मतलब इसे भाई, भाई बात उसका होगा मुख्यमंत्री केजरीवाल। केजरीवाल होंगे। केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं लगता है आपको? बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई। अच्छा, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का है चांस उनका? बिल्कुल पक्का है भाई। पक्की बात है, चलिए ठीक है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ और लोग भी, एक ऑटो ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। क्या आपके ऑटो के पीछे भी लिखा हुआ आई लव केजरीवाल? नहीं सर। तो आपको क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली में? केजरीवाल जी। हमारा पानी का बिल माफ हुआ है, बहुत खुशी हुई है। और क्या क्या कुछ काम बता सकते हैं हमको? पानी की समस्या भी यहाँ पर, पानी की समस्या नहीं है यहाँ पर, बिजली की समस्या नहीं है। जो प्रॉब्लम है हमारे विधायक है महेंद्र गोयल, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, वोट हमारा उनके लिए ही है। आपका ये मानना है कि केजरीवाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि क्या है उनकी राय दिल्ली के आगामी विधान चुनावों को लेकर। कुछ और लोग भी, ये बाबा आ जाएगा, दिख जाएगा आपको डबल। नहीं, मैं तो कर बोल चुका ना। कोई नहीं, एक बार और बोल लीजिए, क्या हो गया, चांस है वो किसी का? चांस तो दिल्ली में राखी बिरला का है चांस इस विधानसभा से? वैसे तो जनता पार्टी का दिख रहा है मेरे को तो ज्यादातर। चलिए, बाबूजी ने तो साफ कर रखा है कि हमारी तरफ से तो बीजेपी ही फाइनल है। एक और कुछ व्यक्ति भी मौजूद है हमारे साथ, क्या नाम है बाबा आपका? अजी, कौन सी चैनल अजी है? बाबा जी नाम तो बताइए पहले, सब कुछ बता के जाऊंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। महावीर जी, किसकी सरकार होगी, किसका मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में? दिल्ली में तो देखो जी, अच्छा काम कर रहा है अपना केजरीवाल ही कर रहा है। कहाँ कहाँ पर रहते हैं आप? मैं तो वैसे तो मैं यही रोनी में रहता हूँ। मंगोलपुरी विधानसभा में ही रहते हैं? हाँ, मंगोलपुरी विधानसभा। अगर मंगोलपुरी विधानसभा से
राजकुमार चौहान जो कि पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में है, अगर बीजेपी उनको टिकट देकर उतारती है तो क्या कुछ चांस बन पाएंगे उनके? मुश्किल चांस बन, राखी बिरला के आगे नहीं टिक पाएंगे। कांग्रेस में रह चुका जब उसने कुछ नहीं किया इसके गांव के जा पा रहे हिसाब में, तो हमारा जो ना देखो आप पार्टी जो आई है इसने हमारा बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। और पार्टी कोई भी हो कार्यकर्ता सही होना चाहिए, कार्य ठीक होने चाहिए पार्टी कोई भी हो। क्या नाम है आपका? कमतूराम। कमतूराम जी क्या लगता है आपको किसका मुख्यमंत्री होगा? भाई देखो सरकार वही अच्छी लगती है जो काम करते रहे। ये हमारे राजकुमार चौहान जी थे बड़े जब कांग्रेस में थे बहुत अच्छा काम करा। अगर बीजेपी राजकुमार चौहान को उतारती है राखी बिरला के सामने तो कुछ है उनका चांस आने का? चांस है क्यों नहीं, पूरा भाई चांस पूरा है, टक्कर है जब उनकी चांस पूरा पूरा चांस है। अच्छा टक्कर रहेगी उनकी? हाँ जी। अगर बीजेपी जीतने का चांस रहेगा या नहीं रहेगा? जीतने का चांस जरूर है भाई। अच्छा। काम करवाया है हमने, ऐसी बात थोड़ा है। कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि क्या है। क्या नाम है भाऊ जी आपका? हमारा देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी किसका मुख्यमंत्री होगा इस बार? मुख्यमंत्री होगा जी केजरीवाल और प्रधानमंत्री होंगे मोदी। अच्छा तो आपका ये कहना है कि दिल्ली में तो केजरीवाल और केंद्र में तो मोदी? केंद्र में मोदी जी। काम बता सकते हैं आप हमको केजरीवाल जी? काम केजरीवाल ने साहब खूब किया है। अच्छा हाँ जी बता दीजिए एक दो कुछ जो किए। ऐसा है स्कूल का भी कर रखा है उन्होंने खूब। अच्छा और अस्पतालों का भी कर रखा है। अच्छा हाँ हमें संतुष्टि है। आप संतुष्ट हैं केजरीवाल? जी साहब जी साहब। आपका ये मानना है कि दोबारा उन्हीं की सरकार बनेगी वही मुख्यमंत्री होंगे? वही मुख्यमंत्री होंगे करेंगे। आइए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे भी एक दुकान है हमारे सामने, हम देख रहे हैं एक महिला भी है जो उसको चलाती है, उनसे भी जानेंगे क्या है उनकी राय आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। आइए पूछते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? चंद्रकला। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बनेंगे। चलिए इनसे इनकी भी राय ठीक है। एक और भी आया है उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है। अभी गाड़ी बस खड़ी करके उतरी है। क्या नाम है सर आपका? मतलब, क्या नाम है? कोई मतलब बता रहे ना हम तो बता दीजिए हमको। रामचंद्र। रामचंद्र आप जी किसकी सरकार होगी, क्या केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जरूर बनेंगे काम अच्छा करेंगे तो। अच्छा काम अच्छा करेंगे तो? काम अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कुछ बता दीजिए तो, कुछ बता दीजिए एकदम। काम हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हाँ। आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, चलिए ठीक है। ये तो आगामी विधानसभा चुनावों में ही पता चलेगा कि किस के दिल्ली के दिलवाले किसको दिल्ली का ताज बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंगोलपुरी विधानसभा के ही दूसरे क्षेत्र से हम जानेंगे कि क्या है लोगों की राय दिल्ली के दिल में। मौजूद है मंगोलपुरी जी ब्लॉक विधानसभा में। आइए जानेंगे दिल्ली से दिल का हाल, दिल्ली वाले किसको बनाएंगे अपने सरकार ताज, किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, जानते हैं कुछ लोगों की राय कि क्या है दिल्ली के दिल में। क्या नाम है भाऊ जी आपका? मेरा नाम प्रदीप है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? जो बने भाजपा का, कांग्रेस का या आम आदमी का? आम आदमी पार्टी का बनेगा। अच्छा राजकुमार चौहान जी जो पहले कांग्रेस में थे हैं अब भाजपा में है, अगर उनको भाजपा टिकट देके उतार दी है मैदान में तो क्या उनका कुछ चांस बन पाएगा? चांस तो बनवे करेंगे। अच्छा अच्छे काम किए हैं तो चांस तो बनने ही है। केजरीवाल जी दोबारा बन पाएंगे? अब देखिए जो काम करेंगे वो तो बनना ही बनना है। और लोग भी हैं, एक भैया भी हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? राजू। राजू जी क्या लगता है आपको कौन मुख्यमंत्री होगा इस बार, भाजपा का, कांग्रेस का या फिर आम आदमी का? केजरीवाल जी दोबारा बन पाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं भाई वो मंत्री तो जवान के होते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जाने। क्या नाम है भाई आपका? कन्हैया लाल। कन्हैयालाल जी क्या लगता है आपको किसका मुख्यमंत्री, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल जी दोबारा बनेंगे? दोबारा बने। अगर राजकुमार चौहान को बीजेपी मैदान में उतारती है तो कुछ है चांस उनका यहाँ से जीतने का? हाँ चांस हो सकता है। कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं। टक्कर दे पाएंगे? हाँ टक्कर दे। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विचार है उनके। क्या नाम है सर आपका? नाम राजेश। राजेश जी क्या लगता है आपको किसका पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? तो सर क्या कह सकते हैं, या केजरीवाल आएगा या तो मोदी आएगा, दोनों में से एक ही आ सकते हैं अब तो। केजरीवाल जी का है चांस मुख्यमंत्री बनने का? हाँ चांस तो होगा, क्योंकि ना पहले वो कर दिए हैं उनसे, सस्ता और बस का किराया
माफ कर दिया, लेडीजों के लिए फ्री कर दिया, काफी सुविधा हो गई है। आपको क्या लगता है केजरीवाल जीत पाएंगे? कोशिश है जीत। कांग्रेस का खाता खुलेगा? खुल सकता है सर, इसमें पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। कुछ और लोगों से भी जानेंगे क्या है क्या नहीं। क्या नाम है भाऊ जी आपका? नरोत्तम सिंह। नरोत्तम सिंह जी एक बात बताइए, जिसका मुख्यमंत्री होगा इस बार? आम आदमी पार्टी का होगा मुख्यमंत्री, केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल ही होंगे। अच्छा, राजकुमार चौहान जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में है, अगर भाजपा उनका टिकट देकर उतार दिए मैदान में तो जीत पाएंगे क्या? अब भाई, अब तो मेरे हिसाब से इस टाइम तो केजरीवाल का माहौल अच्छा है, केजरीवाल जीतेंगे इस टाइम। राखी बिरला ही जीत, राखी बिरला नहीं देंगे, राखी बिरला की जगह कोई और आता। हाँ, ये पक्की बात है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानते। क्या नाम है भाऊ जी आपका? मेरा नाम सुरेश चंद। सुरेश चंद जी, क्या लगता है आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल ही, केजरीवाल ही जीत देंगे। कुछ काम बता सकते हैं आप हम उनको? एक आज स्कूल में मोहल्ला क्लिनिक और दवाई नहीं मिलती थी हॉस्पिटलों में, और अब कच्ची कॉलोनियों में सब में सीवर और डलवा दिया, सीवर लाइन डलवा दी उन्होंने। काम ठीक कर रहे हैं? काम ठीक कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी जानेंगे, कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं यहीं पे। क्या नाम है भी आपका? हरीश। हरीश जी, क्या लगता है आपको किसका मुख्यमंत्री होगा इस बार? इसका ऐड करनी है। केजरीवाल जी दोबारा बन पाएंगे? शायद हो सकता है। राखी बिरला का है चांस इस सीट पे दोबारा? मुश्किल लग रहा है सर उनका, राखी बिरला का मुश्किल है। देखिए, केजरीवाल ने जो काम करवाया है ये महिलाओं के लिए, जो बस में फ्री की वो करवाई है, वो एक ही तरफ से लगा लो कि अच्छा ही है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब दोबारा वही आ सकते केजरीवाल जी। दोबारा केजरीवाल ही? राखी बिरला का कोई चांस नहीं। आइए कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि क्या है उनके विचार आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। क्या नाम है भाऊ जी आपका? पंडित जी। अरे मेरा नाम मेरा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या नाम है भाऊ जी आपका? मेरा रविंदर है। रविंदर जी, क्या लगता है आपको केजरीवाल जी बनेंगे दोबारा? हाँ, केजरीवाल ही बनेगा 100% केजरीवाल ही। अच्छा, किसी और पार्टी का कुछ नहीं? भाजपा का या कांग्रेस का? किसी का भी नहीं, मतलब ही नहीं होता। हमने तो पहले ही लिख के दे रखा है केजरीवाल को भी हटा ही नहीं सकता। अगर राजकुमार चौहान जी को बीजेपी उतारती है इधर मंगोलपुरी विधानसभा में, तो एक सीट जीतने से क्या होगा? अकेला राजकुमार जीत जाएगा तो उससे क्या होगा? नहीं, राजकुमार जी का चांस पूछ रहे हम, ये नहीं कह रहे कि भाजपा जी क्या होगा, वो तो बात की बात है। राजकुमार चौहान का काम अलग है, केजरीवाल का काम अलग है। राखी बिरला को कौन वोट देता है? वोट तो केजरीवाल को देते हैं जो भी देते हैं। राखी बिरला जीत पाएंगी दोबारा? मुश्किल है। कोई और केजरीवाल किसी और को टिकट दे सकते हैं? हाँ, वो जीत जाएगा। हाँ, वो जीत जाएगा। अगर राखी बिरला के अलावा केजरीवाल किसी और को टिकट दें तो वो जीत सकता है? हाँ, 100% राखी बिरला का है चांस? नहीं, वो मुश्किल है। मुश्किल है। कुछ और लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। शांति जी, केजरीवाल जी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री? अच्छा, बहुत बढ़िया। बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे। चुनाव है अब जनवरी फरवरी में, लगता है आपको कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे दोबारा? बन जाएंगे लगता है। हाँ, लगता है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। पीछे भी हमारे एक दुकान नजर आ रही है, आइए उनसे ही बात करें। एक भाऊ जी भी है। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? तो क्या होगा तो बताइए, कुछ सवाल, एक सवाल पूछना है बस आपसे। ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश जी, क्या लगता है आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? अब मुझे नहीं कह सकता नहीं भाई। केजरीवाल जी दोबारा बन पाएंगे? केजरीवाल होगा। ये इसी विधानसभा में रहते हैं आप? हाँ। राखी बिरला का है चांस? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, आइए उनसे भी देखते हैं क्या है मामला क्या नहीं। क्या नाम है भाऊ जी आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, क्या लगता है आपको केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा है सर, काम तो अच्छे हो रहे हैं और बनने भी चाहिए। अच्छा, जो हमारे हिसाब से तो बनने चाहिए, आगे हम कह नहीं सकते। अच्छे काम अच्छे कर रहे हैं, अच्छी तरह सारे कामों में पास हो रहे हैं और अच्छा कारोबार कर। दोबारा चांस है केजरीवाल जी? आ सकते हैं अगर थोड़ा और बढ़ने की, थोड़ा और काम अगर करेंगे तो पक्का चांस है। गरीबों को रोजगार दिए जाए, सबसे पहले तो गरीबों के लिए रोजगार दिए जाए, जब आगे बढ़े। तो अभी अभी टाइम है विधानसभा चुनाव में, अगर एक दो काम और कर सकते हैं तो चांस है। और रोजगार दिया जाएगा तो आगे बढ़ के खुल का आ सकते हैं। एक माता जी भी मौजूद है, आइए। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा संतोष। माता जी, एक बात बताइए, क्या अगर केजरीवाल जी दोबारा बन सकते हैं मुख्यमंत्री? हाँ, बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, बन सकते हैं। काम कुछ बता सकते हैं?
हम तो उन्हीं को सोचते हैं कि भाई वो बड़ा आगे के लिए जीते हैं सब कुछ, तो हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, राजकुमार चौहान भी पहले विधायक रहे हैं यहाँ से, फिर कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। अगर भाजपा उनको उतारती है मैदान में तो है कुछ चांस उनका? भाई यही बताएंगे मुझे नाम आना। चलिए कुछ और, क्या नाम है भाजी आपका? हमारा नाम जगवीर सिंह है जी। जगवीर सिंह जी, केजरीवाल जी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ भैया, अच्छे काम कर रहे थे वही बनेंगे ही, और अच्छे काम के लिए तो सभी चाहते हैं वो बन जाए। अच्छा है, भाजपा या कांग्रेस का कुछ है चांसेस? भाजपा और कांग्रेस का क्या कोई रोल नहीं है, लेकिन ये है दोनों का, बीजेपी तो है ही है ही। अच्छा, हाँ अब ये जीतेगा वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल जी, केजरीवाल है ही, है रहेगा ही वो तो मुख्यमंत्री। क्या नाम है भाजी आपका? महेंद्र है। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको? आना तो इसी को चाहिए जी, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। किनको आना चाहिए? केजरीवाल को। अच्छा, काम बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ फ्री कर दिया अब, बिजली का बिल भी सस्ता है। एक दो काम और बताए। बस सारे काम ही अच्छे कर रहा है अभी तो, और ऐसे करता रहा तो आगे यही आता रहेगा। राजकुमार चौहान को अगर बीजेपी उतारती है तो? बीजेपी आएगा तो मुश्किल चांस, राजकुमार चौहान को हाँ मुश्किल चांस लगेगा उसका। राखी बिरला का? राखी बिरला का कह नहीं सकता जी, वैसे केजरीवाल तो आना ही आना है यहाँ पर। क्या राखी बिरला ठीक काम कर रही है? राखी बिरला अपनी विधानसभा में ठीक काम कर रही है? कर तो रही है, बाकी ये है कभी कभी नहीं भी होता अगली का काम, उसका काम तो जरा ऐसे ढीला ही है, वैसे बाकी काम तो केजरीवाल ही कर रहा है। वोट जो पड़ेगा केजरीवाल के नाम पे? हाँ, वो केजरीवाल ही को मिलेगा वोट, राखी बिरला के नाम पर नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल। क्या नाम है भैया आपका? विक्की। विक्की जी, क्या लगता है आपको, केजरीवाल ही आएगा इस बार? केजरीवाल जी आएंगे। हाँ क्यों नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवा रहे हैं। राखी बिरला कैसा काम कर रही है विधान? राखी बिरला भी सही कर रही है, काम बढ़िया कर रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है जी। पृथ्वीराज जी, क्या लगता है आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? मुख्यमंत्री तो जी केजरीवाल ही रहेंगे, पर जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो ठीक नहीं है। कि कौन किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? जैसे कि अपने ये राखी बिरला मान लो। अच्छा, और एक ये सुल्तानपुर माजरा का था। अच्छा, राखी बिरला ने तो मंगोलपुरी में कुछ काम किया ही नहीं, जो काम कर रखा था वो राजकुमार चौहान ने कर रखा था। अगर बीजेपी राजकुमार चौहान को मैदान में उतारती है राखी बिरला के खिलाफ, तो चांस है उनका राजकुमार चौहान? पूरे चांस रहेंगे राजकुमार चौहान के। अच्छा। मंगोलपुरी को राजकुमार चौहान ने चमका दिया है। अच्छा। ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जो मंगोलपुरी के मुकाबले साफ सुथरी हो, अच्छी हो, लाइट पानी। आपका ये मानना है कि जब राजकुमार चौहान जी विधायक थे तो अपने क्षेत्र में उन्होंने ठीक कार्य किया? बहुत काम किया जी, बहुत काम किया, इतना काम किया कि मंगोलपुरी को चमका दिया, लाइटें, रोड, नाली, गली, पानी, बिजली एकदम ओके है। राखी बिरला के समय में कुछ हुआ है? राखी बिरला ने कुछ काम नहीं किया, जो काम है वो पहले के जो काम हुए हुए वही हुए हुए हैं। अब देखो नाले तोड़ के गेट दिए, अब उन्हें महीना भर हो गया, अब उनको बनाने का कोई मतलब नहीं। ये सामने झुग्गियां हैं जी ब्लॉक की, यहाँ पे बच्चा 2-3 दिन पहले बच्चा गिर गया था नाले में, वो तो इत्तेफाकन किसी ने देख लिया तो उसे निकाल लिया। बच्चा तो नाला गहरा है, गिर जाता तो डैडी था। राखी बिरला का मतलब विधानसभा में कार्य ठीक नहीं है। हाँ जी, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अंकल भी हमारे साथ जो कि पान की दुकान। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम उमा शंकर है जी। आपको क्या लगता है किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? केजरीवाल होंगे मुख्यमंत्री, और कौन होगा? अगर बीजेपी राजकुमार चौहान को उतारती है? पहली बात तो बीजेपी उतारेगी नहीं राजकुमार चौहान को। अच्छा। ये भी बता देता हूँ, किसी भी दावे से किसी से भी पूछे, पर उतारेगी नहीं, ले लिया है साइड में, उतारेगी नहीं, टिकट नहीं देगी, 1% भी अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो तब क्या होगा? भी कोई भी मतलब नहीं है। राजकुमार चौहान 2 बार इनकी ऐसी बुरी तरह से हारे, ये दोबारा फिर आएंगे नहीं। राखी बिरला को अगर टिकट मिलती है? राखी बिरला को देखिए, चाहे किसी को टिकट मिले, लोग जैसे केजरीवाल को चाह रहे हैं वैसे मोदी को चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ केंद्र में यहाँ के मुख्यमंत्री के। मंगोलपुरी विधानसभा की बात करते, राखी बिरला के बारे में हम पूछ रहे हैं? हम राखी बिरला को नहीं जानते, कोई भी कुत्ता भी जैसे खड़ा होता था पहले, कहते थे कांग्रेस का कोई कुत्ता हमारा खड़ा हो जाएगा ये जीतेगा, वही नौबत। अच्छा, हमें तो मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। वोट जो पड़ेगा राखी बिरला के नाम पे नहीं पड़ेगा, केजरीवाल के नाम से? केजरीवाल के नाम से।
आप देख रहे थे डबल ए न्यूज। हम मौजूद थे मंगोलपुरी विधानसभा में, लेकिन ये तो आगामी विधानसभा चुनावों में ही पता चल पाएगा कि दिल्ली के दिलवाले किसको दिल्ली का ताज बनाते हैं। मैं कुलदीप कुमार, डबल ए न्यूज, दिल्ली से।